हम लोग रहते हैं उधर, टूटा चूता है बहुत घर द्वार, अब समस्या तो है हम लोग। हम लोग किसी तरह से बच्चा के पढ़ाते लिखाते हैं और कामयाब कुछ नहीं मिलता है, तो ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा बच्चा उच्चा पर ध्यान देना चाहिए। विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। विधानसभा चुनाव दो चरणों में होना है। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को है, तो वहीं दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को है। नमस्कार, मैं मानसी पाठक आप सभी का स्वागत करती हूं हजारीबाग अपडेट्स में। सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है वहां जाकर हजारीबाग अपडेट्स की टीम वहां की जन समस्या जान रही है। और इस वक्त हम मौजूद है हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मायापुर में, और यहां के लोगों से जानेंगे कि यहां की क्या जन समस्या है। 5 साल हेमंत सोरेन सरकार में रहे, तो उस दौरान कैसा अनुभव रहा आपका? कई तरह का योजना निकाले, जैसे मैया योजना हो गया, अबू आवास योजना हो गया, तो सब योजना का लाभ मिला? मैया योजना का लाभ मिला है। लाभ मिला, ठीक है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या चुनावी माहौल है यहाँ का। काकी जानते हैं कि अभी वोट देना है, वो बात कहाँ जानते हैं? 13 नवंबर को वोट देना है, है ना? तो क्या मांग करते हैं अपने सरकार से कि क्या क्या सुख सुविधा यहाँ मिलना चाहिए? साफ सुविधा घाटा हिसाब से पानी उनी के ककरो काल उन्हें न खाए सकरा होना चाहिए है, और मर मजूरी तनी खुले के चाहिए, यार खेती बाड़ी खुन चीज यार खुशला की काकोथिन से वाला न जाते है ना सरकार। अच्छा, कोई प्रत्याशी यहाँ पर आए थे आप लोग का जन समस्या सुनने के लिए? कौन वाला? अभी वोट होने वाला है, कोई भी नेता आए थे? हाँ। कौन आए थे? आइन कमल छापला जाने। अच्छा, ठीक है। तो और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे वो क्या कुछ कहते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के, और अपनी क्या क्या समस्या साझा करते हैं। हमारे साथ दादाजी मौजूद हैं। क्या चुनावी माहौल है दादा यहाँ का? यहाँ खूब मतलब तो ठीक ही चल रहा है। अच्छा, अभी वोट होने वाला है ये बात की खबर है ना? हाँ, तो मालूम है। तो बताइए आपके गाँव में क्या क्या समस्या है दादा? समस्या क्या बताओ, हमको तो कुछ पते नहीं। अच्छा, देखिए 5 साल हेमंत सोरेन सरकार में रहे, उनके कार्यकाल में कैसा अनुभव रहा आपका? हमको तो कुछ पते नहीं चल रहा है। बहुत तरह का योजना निकाले थे, आपके घर में महिला लोग होंगी तो मैया समान योजना, अबू आवास योजना, ये सब योजना का लाभ उठाए थे? नहीं, कुछ नहीं। कोई योजना का लाभ नहीं उठाए? अभी तक वृद्धा पेंशन भी नहीं मिला। वृद्धा पेंशन भी नहीं मिला? नहीं मिला। 3-4 बार फार्म भरा, उसके बाद कुछ नहीं मिला, वो छोड़ दी। 3-4 बार फॉर्म भरे थे लेकिन अभी तक पेंशन नहीं मिल पाया? नहीं मिला। और भी कई महिलाएं हमारे साथ हैं, बताइए क्या चुनावी माहौल है अभी इस क्षेत्र का? कोई भी प्रत्याशी आए यहाँ पर? बीजेपी हाँ आया था। आए थे ना। अच्छा, अब हेमंत सोरेन के कार्यकाल में कैसा अनुभव रहा 5 साल में आपका? हाँ, हम लोग का मैया योजना वाला तो आया है, पैसा 2 बार आया। किसी का भी आया, किसी का नहीं आया। अच्छा, ठीक है। अब गांव का क्या क्या समस्या है, क्या क्या सुख सुविधा है जो अभी तक नहीं मिला है, जो पहुँच जाए? गाँव का रोड नहीं बना हुआ है, हम लोग का छठ होता है वहाँ पे रोड का मतलब साधन नहीं है, कुछ मतलब साफ सुथरा नहीं है, वैसे हम लोग जाते हैं पूजा वूजा करके आ जाते हैं। बाकी हम लोग का मंदिर का साधन नहीं है, दूसरा गांव जाते हैं हम लोग पूजा करने के लिए, बाकी वही ज़्यादा समस्या है। बाकी हरिजन मोहल्ला है यहाँ पे, तो पानी का किसी का घर जा रहा है, किसी का घर नहीं जा रहा है। अच्छा, क्या जो भी सरकार बनेगी तो क्या मांग करती है सरकार से? सरकार के यही सब मांगते हैं कि घर बनवा दो, कॉलोनी दो, रोड बनवा दो, छठ घाट बनवा दो, मंदिर बनवा दो, यही सब बोलते हैं। अच्छा, इस सब के कुछ साधन दो पढ़ने लिखने के, और यही मतलब हम लोग गरीबी थोड़ा हैं तो थोड़ा लाभ दीजिए, कुछ चाकरी नहीं है, कोई बच्चा पढ़ लिया कुछ पैसा कोड़ी पढ़ाए हैं दे के यार, फिर कुछ कामयाब नहीं हो रहा है, वो सब चाहिए। अच्छा, आप बताइए अनुभव बताइए हेमंत सोरेन के कार्यकाल में 5 साल में अनुभव कैसा रहा? आप अभी तो कई तरह का योजना निकाले ना, बताइए बताइए। अब देखिए जैसे चल रहा है तैसे चल रहा है। एक हमारा नाती सूरज कुमार है, विकलांग है, उसका नाम सो मतलब पानी दे दीजिए, हम यही आपको मेहरबानी करते हैं। और हम लोग तो सब पीते हैं, कुआं कुआं था ये नहीं है, पहले के जमाने में कुआं रखता था, अभी तो कुआं नहीं है, एक पानी रहता तो सब झगड़ा करता है पानी पीने लिए, यही है। और थोड़ा वही ठीक है, सुबह जा उसको शक्ति जहाँ था वो था हम लोग दिखा दिया। हाँ, मान के चलिए, मान के चलिए ये वीडियो हेमंत सोरेन देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगी उनको?
उसको एक खाली सूरज कुमार के विकलांग है, उसको एक पानी चाहिए साधन का, उसका नौकरी पढ़ल है मैट्रिक विकला यार, उसका भाई एगो विक्रम है, तब वह विकलांग के टूटने हैं, पूछ लीजिए गांव में, मतलब उसका माँ सहारा नहीं है, माँ नहीं है, बाप है, सतला माँ है, हम नानी है, तो उसको लिए कुछ इसको भी घर नहीं दिया, बोलिए क्या क्या समस्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमको, लेकिन कुछ घर द्वार नहीं है, बोलो बोलो, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं मिलता है, कोई योजना का लाभ नहीं मिला है, मिला है दीदी, अच्छा रहती है तो जारती है, फॉर्म वॉर्म जो भी निकलता है लाभ के लिए वो सब नहीं भरे थे ना, ना। राशन कार्ड आधार कार्ड सब कुछ बन गया है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है ना, हाँ कुछ कह रही थी आप बताइए, बच्चा लोग को नहीं, आप बोलिए, वही बोल रहे थे कि हम लोग किसी तरह से बच्चा के पढ़ाते लिखाते हैं और कामयाब कुछ नहीं मिलता है, तो ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा बच्चा उच्चा पर ध्यान देना चाहिए, मैं कॉलोनी देना चाहिए, हाँ हम लोग के कुछ नहीं मिलता है, न कॉलोनी मिलता है, खाली हम लोग वोट देते हैं, बाद में सब वोट कहते हैं दीजिए, देवे नहीं करता है, तब वही बतिया है यार, कौन चीज है, हम लोग रहते हैं उधर, टूटा चूते हैं बहुत घर द्वार, अब समस्या तो है हम लोग, यही सब समस्या हम लोग हैं, अच्छा देखिए रोड है ही, तो रोड कोई अथी बनेबे नहीं करता है, जीत जाता है अथी हो जाता है, सब पानी नहीं होता है, पानी कादो कीचड़ नहीं निकलते हैं, बह रहते हैं, यही सब होता है। तो ये जन समस्या आप सुन रहे थे मायापुर की, सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां जाकर जन समस्या जान रहे हैं लोगों की और आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होना है, आप भी अपने अधिकार का लाभ जरूर उठाएं और वोट जरूर करें, धन्यवाद।